स्वागत नानु रेणुका अनुरे दर्गादल्लि शांति हागू सौहार्दते कापाडबेकु एंदु आग्रहिसि हजरत शेख अल्लाहुद्दीन शाह खाद्री उर्फ बाबा मलिक रेहान अल चिस्ती दर्गा चारिटेबल ट्रस्ट वतियिंद विजयपुर नगर जिलाधिकारी कचेरी आवरणदल्लि शुक्रवार प्रतिभटने नडेसिदरु। महाराष्ट्रद कोल्लापुरद जिल्लेय विशालगढ़दल्लि शांति मत्तु सौहार्दतेयन्नु कापाडबेकु अल्लदे विशालगढ़ दर्गा आवरणदल्लि फिरंगि हारिसिद्दारे ಇದರಿಂದ ಗೇಟ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। Representation to you for taking action of a matter with complete investigation. It is submitted that 18th February 2023 in front of Vishalgarh Darga entrance gate, few people in the name of Devait and had taken permission from the police department to perform the Mahashivratri Putta protection. But on the same day, put on ammunition cannon in grove and damaged the gate by firing a shot on the gate under the leadership of the organization whom permission of was granted, but no harm to Darga or any temple. There was a real intention to damage the Darga by shooting cannon with the fire and polluting the distinction between the brotherhood of Hindu Muslim unity with the firing and slogan against the particularly community with the recording statements. Since the Darga is not bound to any community or caste, instead who has faith in fair Malik Rahan visit the Darga and perform prayer irrespective of any caste community for the first time in history of the 100 years for the bonding between the several community of caste has been broken by shooting cannon and has hurted sentiment of faith and brotherhood among each and other. We humbly request to stop the spreading the videos, images, incidents, attack of cannon on the social media, maintain peace by avoiding revoke the billionaires India which may disturb the social environment in the state as well as India in the interest of public at large. हजरत बाबा मलिक रिहान मिराज साहेब विशालगढ़ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट 18 फरवरी 2023 चंग संगठन मिलकर विशालगढ़ में शिव जयंती की पूजा करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में पूजा करके चंद कन्वेस्टना करके संगठन के लोग है वहाँ कुछ आपको अभंग करे चंद हिंदू मुस्लिम हर मजहब का आदमी वहाँ पर आते और कोई भी आज तक इतने सालों से वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो हज़ारों लोगों आते हैं वहाँ पे तो वहाँ आकर तोप पटाखा उड़ाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में सब तरफ फैलाए सब और इनके बारे में जो है आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ इनके ऊपर एक्शन होना ऐसा दोबारा विशालगढ़ पाड़ी में काम भी पहुँचे स्थान में सूफी संत के में लोगों के अंदर काम भी ऐसा नहीं होना उसके वास्ते जो है हमें डीसी साहब को मनवी देश है और आगे हमें कोल्हापुर महाराष्ट्र ये विशालगढ़ के बारे में बुजुर्गान दिन के हर मजहब हर धर्म के बारे में हमें प्रोटेस्ट करने वाले और ये सबको पहुंचाने का है जो भी है बैठे से लोग ये नहीं होना उनको भी हमारी है कई दिल से कि ये सब जन मिलको ये रोको आगे चल को कुछ बुरा ही नहीं होना कोई मजहब हो कोई धर्म हो किसी का बुरा नहीं होना ऐसे हालात जो दिखने में आए लोगों के दिलों को ये बुराई ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये दरगाह किसने स्थापित किया था? ये जो दरगाह हजरत बाबा मलिक रिहान मिराज साहेब जो दरगाह है तो ये हमारे पास जो डीसी साहब को सबको मनवी के अंदर देश है तो ये जो है सालों साल पुरानी दरगाह है तो ये जो किला जो जहाँ पर विशालगढ़ बाबा मलिक रिहान मिराज साहब जो है तो ये जो किला है जहाँ पर हमारे अली आदिल शाह की हुकूमत के दौर से वो हुकूमत थी तो शिवाजी महाराज एक बार वहाँ पर अपनी जंग और बादशाह मिला के वहाँ परशुराम जो एक बादशाह राजा थे उन्होंने दोनों मिलाकर जंग करे उनसे फतेह हासिल नहीं हुई तो फिर एक बार फिर दोबारा जो है वो सरकार से दुआ फरियाद अर्जी विशालगढ़ वाले से करने से तो उनको वह दोबारा दोबारा जंग करे दूसरी बार तो जंग फतेह हुई तो ये स्थापना जो है शिवाजी महाराज परशुराम त्रिमूर्त जो वहाँ का बादशाह था ये दोनों जने मिलाकर दोबारा उस दरगाह को जाकर स्थापना करे से उन्होंने खुद आकर वहाँ पूजा पाठ करके अपना इबादत करके गए से और ये दोबारा भी नहीं होना। आपका नाम? हाँ मलिक रेहान बाबू साहब नदाफ। मेरा नाम अब्दुल कादर बाबू साहब नदाफ। माँ आशिका ने मलिक रेहान की तरफ से जो भी दरगाह पर जाकर ये जो भी संगठन लोग जा काम करे हैं
उनको ये पता नहीं है कि जितने भी जो धांधल करने वाले जो लोग हैं जो हैं मराठे के जो लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर वही दरगाह में आकर श्रद्धा से चलते हैं। वो दरगाह को मान पान देने वाले ज़्यादा बोले तो हिंदू संगठन के लोग आज वो संगठन के लोग जो है उनको ना समझ कर दरगाह पर जो तोप लगाए वहाँ के जितने भी जो लोग हैं गैर मुस्लिम को धक्का लगे से उसके बाद में मुसलमानों को धक्का लगे से ये सब जिन्हें मिलाकर ये चीज़ों को रोकना जितने भी बोझा उठाने वाले हैं वो सब मराठे लोग हैं। उत्पन्न की जो हिंदू मुसलमान की उत्पन्न की जो जगह है वो बाबा मलिक रहन के जरिए से सब जने विशालगढ़ में सब जने खाना खाते हैं उनके नाम का। ये सब जने मिलाकर वहाँ जो आकर धांधल करे कोल्हापुर वाले लोग इनको दोबारा से महाराष्ट्र सरकार इनको परमिशन नहीं देना उनसे इल्तिजा करते हैं हमें। सलाम अलैकुम। ये गैर मुस्लिम थे वो संगठनों का नाम मालूम नहीं हमारे को। अब्दुल कादर बाबू साहब नदाफ। सभी भाइयों को और सभी हिंदू भाइयों को नमस्ते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 18 फरवरी को विशालगढ़ दरगाह में जो है कोल्हापुर में है वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और वहाँ पे तोप उनके दरगाह की तरफ फेस करके उड़ाया गया है। इसलिए हम ऋषि साहब को आज मनवी देने के लिए आए हैं खास करके कि उस पर शांति बनाए रखें उधर और जो भी उधर हो रहा है उसको रोकें। इतना मैं कहना चाहता हूँ बस। आप सब लोग जानते हैं कि श्री राम के नारे वो जो लगा रहे हैं श्री राम के नारे वो लोग लगाते हैं जो रोड पे नहीं उतरते दिल में उतरते हैं। पहले उनको ये बताना चाहता हूँ जो नारे लगा रहे हैं जो रोड पे उतर के जो नारे लगाते हैं वो श्री राम के भक्त नहीं होते जो दिल में उतरते हैं वो श्री राम के भक्त होते हैं। और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाई मुसलमान भाई से कि सभी हम लोग मिलजुल के जो पहले हमारे बचपन में जो हम सब लोग देखते थे कि सभी हिंदू की ईद मुसलमान मनाते थे मुसलमान की ईद हिंदू भाई मनाते थे सभी लोग अगर मिलजुल के रहेंगे तो इंशाल्लाह सभी लोगों की ईद अच्छी तरह से होगी और सभी लोग मिलजुल के करेंगे। बस ये मनवी किसकी ओर से दी जा रही है? ये मनवी जो आज दिए जा रहे हैं हजरत आस्थाना हजरत बाबा मलिक रेहान के जो ट्रस्ट हमारी है बीजापुर में उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिला के डीसी साहब को आज मनवी दे रहे हैं। बस आपका नाम? मेरा नाम हैदर नदाफ है। ಭಾರತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರಂತೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 18/2/2023 ವಿಶಾಲಗಢದ ಬಾಬಾ ಮಲಿಕ್ ರಿಹಾನ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಮಲಿಕ್ ರಿಹಾನ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದರ್ಗಾಂಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಬರುವಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದರ್ಗಾಂಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಸಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯ ಉಂಟಾಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಆ ವಿಶಾಲಗಢ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ವಿಜಯಪುರ ಬಾಬಾ ಮಲಿಕ್ ರಿಹಾನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಗಢ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಸನ್ ಪಟೇಲ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಅಂತ. ವಿಶಾಲಗಢ ದರ್ಗಾನಾಗ ಏನಿದು ನಡೆದೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯೋದು ನಡೆದೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್. अच्छे रहना चाहिए, सब कुछ भी जात वात ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. इतना कहकर मेरी बात खत्म करो. शाहजान मुल्ला. आज का जो हमें स्ट्राइक का जो ये कर रहे हैं डीसी साहब को मनवी देने की जो ये हम डीसी देने का मनवी देने डीसी साहब को मनवी देने का हम ये कर रहे हैं उस क्यों बोले तो 18 फरवरी को विशालगढ़ में जो रात में तोप उड़ाया गया है वो भी बाबा मलिक रिहान के जो दरगाह शरीफ के उधर मुंह करके उड़ा गया है और वो जय श्री राम के नारा लगाया गया है वहाँ दरगाह में. हमको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने जय श्री राम का नारा कहीं भी लगाओ लेकिन दरगाह में आके लगाना, हम मंदिर में जाके हम अल्लाह अकबर का नारा लगाना ये सब गलत होता है. इसीलिए सब हिंदू मुसलमान सब हम लोग भाई डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र
May it please your honor, with reference in the above stated subject, in the interest of public, return this representation to you for taking action of a matter with complete investigation. It is submitted that 18th February 2023, in front of Vishalgarh Darga entrance gate, few people in the name of Devait and had taken permission from the police department to perform the Mahashivratri Putta protection. But on the same day, put on ammunition cannon in Grove and damaged the gate by firing a shot on the gate under the leadership of the organization whom permission of was granted, but no harm to Darga or any temple. There was a real intention to damage the Darga by shooting cannon with the fire and polluting the distance in between the brotherhood of Hindu-Muslim unity with the firing and slogan against the particularly community with the recording statements. Since the Darga is not about the any community or caste, instead who has faith in fair Malik Rahan, visit the Darga and perform prayer irrespective of any caste, community for the first time in history of the 100 years, for the bonding between the several community of caste has been broken by shooting cannon and has hurted sentiment of the faith and brotherhood among each and other. We humbly request to stop the spreading the videos, images, incidents, attack of cannon on the social media, maintain peace by avoiding revoke the billionaires India which may disturb the social environment in the state as well as India in the interest of public at large. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ಐ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎನ್ಐ ನ್ಯೂಸ್.